कीबोर्ड इस्तेमाल करने की तकनीक। तेजी से टाइपिंग सीखने के लिए हमें कीबोर्ड इस्तेमाल करने की तकनीक सीखनी होगी। सबसे पहले कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स की पोजीशन या स्थिति देख लें। कीबोर्ड पर सारी अल्फाबेट कीज तीन कतार में दी गई हैं। ये हैं अल्फाबेटिकल कीज। ये कतार हैं होम रो, टॉप रो और बॉटम रो। अंगूठे को छोड़कर दोनों हाथों की सारी उंगलियां तीनों कतारों में मौजूद बटन्स को टाइप करेंगी। टाइपिंग के दौरान उंगलियां हमेशा बीच वाली कतार पर रखनी चाहिए। इसीलिए मिडिल रो को होम रो भी कहते हैं। होम रो के ऊपर वाली कतार को टॉप रो कहते हैं। होम रो से नीचे वाली कतार को बॉटम रो कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि टाइपिंग के लिए हमारी उंगलियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। होम रो के लिए उंगलियों की स्थिति। ASDF से शुरू होने वाली कतार को होम रो कहा जाता है। अब हम होम रो कीज किस तरह इस्तेमाल करके टाइपिंग करते हैं वो देखते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों को ASDF पर रखकर टाइप किया जाता है। लिटिल फिंगर A बटन पर होती है, रिंग फिंगर S पर, मिडिल फिंगर D पर होती है, इंडेक्स फिंगर F और G को टाइप करने के लिए स्वतंत्र रहती है। दाएं हाथ की उंगलियां JKL कीज पर रहती हैं। लिटिल फिंगर सेमी कोलन पर, रिंग फिंगर L पर और मिडिल फिंगर से K को टाइप किया जाए, जबकि इंडेक्स फिंगर J और H को टाइप करने के लिए स्वतंत्र हो। टॉप रो के लिए उंगलियों की स्थिति। Q, W, E, R और T जैसी कीज वाली कतार को हम टॉप रो कहते हैं। बाएं हाथ से शुरुआत करते वक्त लिटिल फिंगर Q, रिंग फिंगर W, मिडिल फिंगर E, इंडेक्स फिंगर से R और T जैसी कीज टाइप की जाती है। दाएं हाथ से शुरुआत करते वक्त लिटिल फिंगर का इस्तेमाल P और ब्रैकेट टाइप करने के लिए होता है, जबकि रिंग फिंगर O टाइप करती है, मिडिल फिंगर I को टाइप करती है, इंडेक्स फिंगर U और Y को टाइप करने के लिए स्वतंत्र होती है। बॉटम रो के लिए उंगलियों की स्थिति। Z, X, C, V ये कीज वाली आखिरी कतार मतलब बॉटम रो। बाएं हाथ के लिटिल फिंगर से Z, रिंग फिंगर से X, मिडिल फिंगर से C और इंडेक्स फिंगर से V और B को टाइप किया जाता है। दाएं हाथ के लिटिल फिंगर से स्लैश, रिंग फिंगर से पूर्ण विराम, मिडिल फिंगर से अल्प विराम, इंडेक्स फिंगर से N और M को टाइप करते हैं। जब भी दो शब्दों के बीच में स्पेस डालने की आवश्यकता हो, तब दोनों हाथों के किसी भी अंगूठे से स्पेस बार दबाया जाता है।